नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। अभी 1.5 महीने भी नहीं गुजरे होंगे, 29 फरवरी को चीन की कारगुजारी पर एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि कैंप में बंद उइगर मुस्लिमों पर चीन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। केवल इतना ही नहीं, इनके लिवर लंग किडनी को निकालकर चीनियों में प्रत्यारोपित कर दिया है। जिन उइगरों की बॉडी के पार्ट्स निकाले गए वे उन 30 लाख उइगरों में शामिल थे जो चीन डिटेंशन कैंप में रह रहे हैं। चीन अगर बहुत से मामलों में साथी रहे तो उसके कई कदम भारत के लिए प्रेरक हो सकते हैं। आमतौर पर ह्यूमन बॉडी रिसर्च के लिए दुनिया की सरकारें गुप्त रूप से आतंकियों का इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए उन आतंकियों पर परीक्षण किए जाते हैं जो मृत्युदंड प्राप्त हैं, लंबी सजा काट रहे हैं या फिर जिनकी गिरफ्तारी सार्वजनिक नहीं होती है। मगर चीन अपने वैज्ञानिक प्रयोगों में उइगर मुस्लिमों का इस्तेमाल करता है। भारत के पास भी यह अच्छा अवसर आया है। जमात के रूप में पकड़े गए जिहादियों की बॉडी पर वायरस रोधी वैक्सीन का प्रयोग किया जा सकता है। वैसे भी इनका रखवाला अल्लाह है, पर इस नाते यह समाज और देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं। इस समय जीका वायरस का टीका बनाने वाली भारत कंपनी कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन के लिए चूहों पर अपने परीक्षण कर रही है, जिससे यह क्लिनिकल टेस्ट लंबी अवधि में समाप्त होंगे। सरकार को चाहिए कि अल्लाह के इन बंदों को ऐसी प्रयोगशाला में शिफ्ट कर दिया जाए जहां इन पर क्लिनिकल टेस्ट हो सके। बड़ी बात यह है कि मानव होने के नाते उसके परिणाम जाते जिसे प्राप्त होंगे वहीं उसका रिएक्शन भी तुरंत मिलेगा। देश में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, हमारे वैज्ञानिक इसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं। जमातियों के तो यूं भी बचने की कोई संभावना नहीं है, मगर उनके जीवित रहते बहुत से क्लिनिकल टेस्ट रिएक्शन और नतीजे जाने जा सकते हैं। देश में इस वक्त 4500 से ज्यादा कटमूल्य वायरस से संक्रमित है। इनमें 176 से ज्यादा हुरों की तलाश में प्रस्थान कर चुके हैं। 800 से ज्यादा ऐसे जिहादी हैं जो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं और हुरों के पास जाने को छटपटा रहे हैं। ऐसे में देश के वैज्ञानिकों को बड़ी तादाद में ह्यूमन बॉडी हासिल हो सकती है। इसके अलावा भारत के प्रैक्टिशनर और युवा डॉक्टर्स के लिए भी ये बढ़िया अवसर है। ये टीमें इन जिहादियों के अंगों पर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकती है। इनके अंग भी जरूरतमंदों के काम आ सकते हैं। यानी एक प्रकार से यही सच्ची समाज सेवा है जो जिहादियों को ठोककर हासिल की जा सकती है। इस मिशन से देश को कई बड़े फायदे हासिल होंगे। जो जमाती इस वायरस से संक्रमित है, यह वायरस उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर यह ठीक हुए तो यह फिर से कम्युनिटी ट्रांसमिशन बन जाएगा, क्योंकि पिछवाड़ा पटकने की इनकी आदत जाने वाली नहीं है। कम से कम सरकार इस कदम से स्थिति काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। दूसरा फायदा यह रहेगा कि हमारे वैज्ञानिकों को चूहों बिल्लियों पर परीक्षण करके लंबी अवधि के नतीजे से छुटकारा मिल जाएगा। ह्यूमन बॉडी पर किया गया टेस्ट कहीं ज्यादा सटीक और विश्वसनीय होता है। बड़ी बात यह है कि वर्तमान स्थिति में यह कार्य बिना किसी शोर शराबे के संपन्न हो सकता है। इन जिहादियों पर अपने प्रयोग करके वैज्ञानिक अपने टैलेंट को निखार सकते हैं। जमातियों के लिए भी यह देश सेवा का सबसे बड़ा मौका है। फिर अल्लाह भी मानवता की सेवा की बात करता है। जिन्होंने आधी जिंदगी देश विदेश में धर्म के प्रसार में धक्के खाते गुजार दी, अब उन जमातियों की चीरफाड़ जरूरी है। चीन में तो उइगर मुस्लिमों का इस्तेमाल नई दवाई और मेडिकल टेस्ट के लिए भी हो रहा है, जो अपनी जान देकर चीन और मानवता के लिए काम कर रहे हैं। यूं भी आने वाले वक्त में भारत में जमात जैसा कोई धंधा ही बैन होना है, इसलिए सरकार को इन पर एक्शन लेकर अब इसे इन पर प्रयोग की शुरुआत कर देनी चाहिए। यह जमाती देश के हर बड़े शहरों के अस्पतालों में भर्ती है। सरकार के लिए यह मुश्किल काम भी नहीं है, पर हो सकता है यह प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर इस वायरस की वैक्सीन भी जल्दी ही भारत के वैज्ञानिकों के पास होगी। दोस्तों, जमातियों द्वारा देश सेवा में योगदान देने का इससे बेहतर दूसरा कोई विकल्प हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। इसके साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।